मॉडल है उसमें और इसमें क्या फर्क है सर? टॉप वाले मॉडल में और इसमें इंटीरियर का डिफरेंस आ जाएगा। 4x4 तो है, वो मुझे भी पड़ा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये आया 4x4 का गियर अलग से। हमारा तो हम फिर गाड़ी में जो शोएब जो बाइक पे डेली मोटो व्लॉग करता है ना, मानना पड़ेगा, हिम्मत है यार। हाँ, कितना बड़ा है भाई, एलईडी देखो कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है भाई। यहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक। बनाने के लिए बोला ना अभी मैंने, बोला ऑडियंस को जाके सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा और पिन कमेंट भी करूंगा, उसमें अलग अलग तरह के ब्लॉग्स आएंगे जो हम दिन में करते हैं, सारी चीजें बाइक लाइफ स्टाइल में डालेंगे ब्लॉग्स, है ना। आज के व्लॉग की शुरुआत हम मॉर्निंग से करते हैं और आज हमारे साथ हमारी मम्मा भी जा रही है। मम्मी कहाँ जा रहे हैं पहले बताओ इन सबको, इधर आओ इधर आओ। आज हम कहाँ जा रहे हैं ये बोलो पहले। नहीं, आज हम जा रहे भाई महिंद्रा के शोरूम में। तो हमने सोचा था हमारे पास दो गाड़ियां हैं, देखो ये ब्रेजा है ना, मैंने जब ली थी मैंने बोला था रेड कलर, मम्मी ने बोला ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये इनकी चॉइस की है। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको थोड़ा बहुत अच्छे पैसों में सेल आउट करेंगे तो हम थार की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि थार ऐसी गाड़ी है ना जो ऑफ रोडिंग के लिए भी बेस्ट है, और जब हमें पहाड़ी इलाके में जाना होगा कश्मीर वगैरह तो वहाँ भी उसको लेके जा सकते हैं। करेगा करेगा, जल्दी आ सैफ अली, बातें नहीं करता वीडियो में, पता नहीं इसको क्या बीमारी है, ये अंदर बात करे। आज शायद 2 महीने हो गए, 2 महीने में भी फ्रैंक नहीं हुआ हमारे साथ, है ना। क्यों हुए, ज्यादा हुए, 3 महीने हुए, कुछ हुए, लेकिन कुछ भी इसको पता नहीं, समझ नहीं लगती यार क्या बोलना है क्या नहीं। दस दस बच्चे, हेलो, 10-10 रुपए, 10 आपको 10 आपको, ठीक है। हमसे मांगे या ना मांगे लेकिन हमको जरूर करना चाहिए, इससे क्या होता है कि जो बलाएं आने वाली होती है, इवल आई होती है, वो सारी दफा हो जाती है। आते कैसे, घर कैसे जाते हो? वो गाड़ी है। गाड़ी आती है ना? अच्छा अच्छा, 150 किलोमीटर अप डाउन डेली करते हैं मम्मा, और इतनी इस गर्मी में भी गए स्कूल, अभी आजकल छुट्टियां वगैरह इसलिए हम साथ में मतलब बाहर घूम छूम रहे हैं। तो ये तेल अगर एसी के साथ लगाना होगा तो आपकी जीन 1200, मेरी जी 900, 20,000 रुपए का तेल दिन में लगता है उसमें मम्मी। कितना? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का, तो जब से डिस्टेंस में वो उसके माइलेज 10 की है, 10 से या जब थ्रॉटल दे दो 5 ही हो जाती है, 5 किलोमीटर पर लीटर, बहुत कम है ना। तो एसी भी नहीं है ना? एसी भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हमें उस पे ही मजा आता है, बाइकों पे हमारा थ्रिल है ना, वो एक तरह से खुशी मिलती है, वो आवाज करती है भू भू। आपको मैंने बिठाना है ना अपने साथ जी, 900 पे बैठोगे? RS 200 पे भी बैठाया था तो मैंने थोड़ी गिराया था, आप खुद गिर गए थे स्पीड ब्रेकर पे, आपने सोचना था ना कि पीछे कौन बैठा है, मैं कैसे इसको स्पीड ब्रेकर पे, मैं कौन सी स्पीड। उस दिन मम्मी नई नई बाइक ली थी मैंने, उस दिन मुझे आती नहीं थी। क्यों क्यों, कहाँ थी पुरानी, आज मेरे को एक्सपीरियंस है राइड करने। तो गिराया पता कब था आपने मुझे? आपने गिराया क्या, मैंने कहाँ गिराया था, मैंने बोला था पकड़ के रखो, आपने पकड़ा क्यों नहीं बोलो। आपने मुझे गिराया था 2019 में। 2019 में गिराया था मैंने, 2019 में कि 20 में, नहीं नहीं 20 में, अच्छा 2020 में गिराया था। अच्छा, आज कितनी है, 2024? आज 2024, अभी भी जख्म नहीं भरे हो वाले, वो भी जबरदस्ती, मैंने बोला पकड़ के रखो भाई, बाइक पे तो पकड़ के रखना है। अच्छा हाँ, आप एक साइड बैठे थे जैसे लेडीज बैठती हैं। हाँ बिल्कुल, तो फिर वैसे RS 200 पे कौन बैठता बोलो? तो मुझे क्या पता था, बताना था ना कैसे बैठना उस पे भाई, ऐसे मतलब दोनों साइड बैठना पड़ता है उसमें, जैसे स्कूटर को होता है साइड में मतलब फुट रेस्ट होता है उस पे रखने का, उसको है ही नहीं, मैं क्या करूँ। हाँ उसकी वजह से गिरे थे आप, पता है, नहीं तो आप ऐसे कभी नहीं गिरते नॉर्मल अगर RS 200 पे बैठते। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें काम था, तो ये चेक करो यहाँ पे बोर्ड है भाई रिहाड़ी, तो मम्मा को यहाँ से एक बिल बना के जाना, बिल बनाते जल्दी से जल्दी निकलते हैं। मुझे लगा था गवर्नमेंट जॉब इजी होती है, लेकिन सच कहूँ तो यूट्यूब ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब जो मम्मा करते हैं। मम्मी ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके मतलब यहाँ पे मार्किंग वगैरह करते हैं थोड़े बहुत, जिससे पैसे वगैरह एक्स्ट्रा आते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कहते हैं इसको। मार्किंग जो होती है ना 11th 12th के एग्जाम्स जो होते हैं ना पेपर, वो चेक करते हैं मम्मा, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरे को कुछ बिल जो है आँखों में चढ़ नहीं रहा है यार, कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर मेहनत करोगे तो ज़्यादा पैसा है इससे। यहाँ से ये चेक करो, अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा कहाँ जा रहे हैं बताओ बताओ ना, पता ही नहीं, आपको नहीं पता है ना? हम जा रहे हैं यहाँ से महिंद्रा के शोरूम में थार वगैरह देखने के लिए। वैसे तो मुझे पर्सनली जो है ब्लैक कलर पसंद है, जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल निकलते हैं, पहले शोरूम पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत तेज है, अब लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग भी करनी है। आप क्या बोलते हो मैं एक नया चैनल बना दूँ भाई, जिसपे हम ना लाइफ स्टाइल के व्लॉग्स अपलोड किया करेंगे, जहाँ पे मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ अपना घर पे क्या करता हूँ सारी चीज़ें आपको बताया करूँगा, उस पर मेरे ना रेगुलर व्लॉग्स आया करेंगे, क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है इस पर मेरे को सोच समझ के व्लॉग अपलोड करने पड़ते हैं। बनाओ नहीं है कि यही रखें मेन, आपको क्या लगता है मम्मी, आपको यही पसंद है ये वाला चैनल कि मेन एक और बनाएं?
बना लूंगा 10,000 सब्सक्राइबर्स आप अगर उस चैनल पे कंप्लीट कराओगे, सारा कुछ बता देना, आज सुबह गिरदे कितने खाए, लवासे कितने खाए, हाँ चाय में कितनी रोटियां खाई, सारी चीजें बताएंगे भाई उस पे, सारे आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। तो भाई 10,000 सब्सक्राइबर उस पे कंप्लीट करा दो, मैं ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस न्यू चैनल का, ठीक है। तो फिर रेगुलर व्लॉग्स आएंगे जो भी बोलते हैं भाई। मुझे गिराया कहाँ था, ओ बस करो, मेरे को माफ करो, हर बार बोल रहे कि मुझे गिराया था, यहां गिराया था ना? मैंने नहीं गिराया था, स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, आपने पकड़ा नहीं था मुझे, एक तरफ बैठे थे आप, तो ठीक है, यही जगह थी, जगह तो यही है, सेम जगह यही है। हाँ, 10K जो है मेरे सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट करा दो इस न्यू वाले चैनल पे। क्या होटल वालों को क्या इन्होंने नहीं उठाया था मुझे यहाँ? क्यों, मैंने नहीं उठाया था, जब तक आप खुद संभले तब तक इन्होंने नहीं उठाया था मुझे। नहीं आज कहाँ पहचानोगे, आज तो बड़े लोग हो गए आप। नहीं नहीं, आप तो पहचानोगे नहीं हमें। नहीं हम नहीं पहचानेंगे, आप नहीं पहचान रहे हो क्योंकि आज बड़ा शोरूम खोला हुआ है आपने। ठीक हो, ठीक हो, पहले तो सबसे पहले मुबारक है आपके न्यू शोरूम की। जब बजाज था तब तो इतना ज्यादा चमक चमक थी नहीं, आज पैसा ज्यादा आ गया हुआ है। नहीं नहीं, तो हम भी देखने आए थे गाड़ी वगैरह, थार दिखाओ हमें, जो ब्लैक कलर में जो न्यू आया था, एक मॉडल न्यू आया जिसमें 6 डोर भी है, वो कौन सा है? नहीं वो अभी नहीं आई है, वो नहीं आई है अभी, नहीं, नहीं, 6 डोर वाली नहीं। तो बताइए सर कि कौन सी गाड़ी, आप हमें थार दिखाओ पहले। 4x4 तो है, वो मुझे भी पड़ा जा रहा है यहाँ पे, मॉडल है उसमें और इसमें क्या फर्क है सर? टॉप वाले मॉडल में और इसमें इंटीरियर का डिफरेंस आ जाएगा सर, जैसे आप देख रहे हैं ये ड्यूल टोन आ रहा है, वो ब्लैक और ग्रीश में आएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन मैट फिनिश के साथ आएगा, प्राइस सेम रहेगा? अच्छा प्राइस सेम है, चलो चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी क्यों नहीं, चलेगी सब, लेकिन ये गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है मम्मी, मतलब ना थोड़ी यूनिक चीज है, जो सीटें देखो पीछे भी वगैरह, ये ऐसे ही रहती है सीट्स इसके पीछे? हाँ सर, ये आप बाद में टिल्ट करके आप चेंज कर सकते हैं इसके, ये वाले टिल्ट होती है ना ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। ये आगे की तरफ करनी है मम्मी, फिर पीछे वाला बंदा जाएगा बैठने के लिए, क्योंकि पीछे इसकी डोर नहीं होती है। अच्छा, पीछे से डोर नहीं होती, इसकी डोर नहीं होती है पीछे, चलो ठीक है। ये आया इसमें गियर 6 हैं, हमारी गाड़ी में कितने गियर है? 5, इसमें 6 गियर है। अच्छा अच्छा, तो ये आया 4x4 का गियर अलग से, 4x4 मिरर अगर आपको अप और डाउन करने है तो उसके यहाँ पे यहाँ बटन्स मिल जाते हैं भाई। ये बहुत ज्यादा प्रीमियम गाड़ी है, मतलब मानो आपकी ना बहुत हाई है, और यहाँ पे कैमल भी बना हुआ है, देखो जैसे डेजर्ट पे कैमल चलते है ना, आगे आगे थार बना के रखी हुई है, तो गाड़ी तो बहुत प्रीमियम है। इसका नाम है थार अर्थ करके, ये जो न्यू कलर है मैंने तो देखा नहीं, फर्स्ट टाइम ये कलर में देख रहा हूँ। अगर हम अगर इसको चेंज करेंगे ना, जैसे कुछ लोग करते हैं स्टॉक वाले निकाल देते हैं, इसकी जगह ऊंचे अलॉयज लगाते हैं, तो ये कौन से काम है? ये कम तो नहीं है, इससे भी बड़े लगते हैं गाड़ी में। 20,000 बुकिंग का है, 21,000 नंबर ऑन रोड वही हो गया, ऐसे उन्होंने लगाया ना, बैनर लगाया हुआ अलग से। ये वाला तो XUV 700, इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं दिखाऊंगा ना, ये देखो ऐसे करके ओपन होती है भाई, इसका इंटीरियर देखो, वाह भाई कितना बड़ा है भाई, LED देखो कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक, और ये देखो इसका पूरा ना ऑडी की तरह इंटीरियर है। बैक साइड देखो भाई, 7-सीटर गाड़ी है यार ये, इसमें थोड़ा दिखाता हूँ तुम्हें बैठ के कैसा लग रहा हूँ। अच्छा वैसे कम्फर्टेबल तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, और सनरूफ जो है पैनोरामिक है पूरा पीछे तक, देखो वो देखो वहाँ से स्टार्ट होता है वो पीछे पूरा, मैं दिखाता हूँ ये चक मारो भाई, यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा पैनोरामिक सनरूफ, और पीछे सीट्स वगैरह भी बहुत कंफर्टेबल है, एंड आप ऐसे आर्म पे ना हाथ रख सकते हो, इसको ऊपर करते हैं देखते हैं, इसमें थोड़ी बहुत स्पेस भी है ताकि कुछ चीज़ें आपको रखनी होगी वो रख सकते हो इसमें। तो ये है इसकी भाई हैंड ब्रेक, और साथ में गियर तो इसमें ये 4x4 वाला नहीं मिलेगा आपको, सिंपल वाला जो गियर है वही मिलेगा, और ये ना ऑटोमेटिक है, ये अमीर लोगों के लिए होता है, ये अमीर लोगों वाली है। हाँ हम भी बन जाएंगे अमीर एक दिन, मैं अपना नाम रोशन करूंगा और अपनी फैमिली का भी, याद रखना बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, आहिस्ता आहिस्ता RS 200 से Z900 से अगर हमने थार ले ली तो ऐसे ही अमीर बनते सारे लोग, कौन पहले की सब पैसे होते किसी। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं शोरूम से, देखते हैं भाई एक्सचेंज में कितना ज़्यादा प्राइस मिलता है, अभी बात हो गई है इनके साथ, इन्होंने बोला था कि कॉल वगैरह हमें करेंगे, मुझे लगता है 14.5 लाख की ये वाली गाड़ी थी, तो अगर 10-12 के बीच में दे देंगे तो भाई अच्छी डील रहने वाली है। तो चलो अब निकलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, लेट्स सी कितने पैसे मिलेंगे इस गाड़ी के, आपको क्या लगता है कितने देंगे? 10 तो देने चाहिए, इतनी ज्यादा गर्मी होगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश बरसाती है मम्मी, पता आपको? तो फायदा क्या है इसका? इसका फायदा ये है कि रोड वगैरह क्लीन हो जाता है, वो देखो लोग वीडियो बनाते हैं भाई इसकी, देखो ठंडा होने के लिए, वो देखो एक ऑटो वाले चाचा ने गाड़ी रोक के रखी है बीच में ऑटो ठंडा होने के लिए, ये देखो भाई बैक वाली साइड वो करते हैं ना, क्या करें बेचारे यार, गर्मी बड़ी ज्यादा है, रोड गर्म होता है। 1 hour later से रिपोर्टिंग फ्रॉम सिद्रा, क्या कहना चाहोगे बारिश के बारे में जो पड़ रही है? मौसम बहुत गर्मी थी, बारिश की जरूरत बहुत थी, और बहुत मजा आ रहा है आज में, और फैजान भाई देखो वाह,
तो हम निकलेंगे भाई, थार चेक करो यहाँ पे, देखो अलॉयज देखो भाई कितने प्यारे प्यारे लगाए भाई ने। भाई ये 18 इंच के अलॉयज हैं और है ना थार वाले ही हैं, देखो इस पे थार लिखा हुआ है, इस पे ना ब्लैक कलर का पेंट कराया हुआ है भाई ने, बड़े ज्यादा डिसेंट और सेक्सी लग रहे हैं। साथ में ये जो मोटी गुडी वाला टायर है ना, ये मेरे को बढ़िया ही ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। आपकी चॉइस है, यहाँ से चल जाए। अच्छा आपकी थोड़ी पतली है अभी और मोटी हो रही है, दिन ब दिन मोटी हो रही है, टेंशन मत ले। पहले तो दिनों से हिलाई नहीं जाती थी मेरे से, लेकिन अब आस्ता आस्ता हम पूरा आस्ता आस्ता लेग मारना शुरू किया। शुरू ना जेल लगा रहा है बालों को, बालों में मिनोक्सिडिल, मिनोक्सिडिल जो गंजापन है सारा दूर हो जाएगा आपको। और फैजान भाई आपने क्या किया दे रहा इसके गंजापन फैजान भाई आपने क्या लगाया बालों में, क्या ऐसी चीज लगाई जो हमसे छुपा रहे हो आप? आदिवासी है, आदिवासी हेयर ऑयल से जो इनकी हेयर ग्रोथ हुई है। फैजान भाई क्या कर रहे हो यार, इसको पीछे म्यूजिक सिस्टम फिट कर देते हो, बोलो मैं तार वार जोड़ूं। ये देखो सारा बॉक्स ला के रखा, ये देखो भाई, ये देखो ये पूरा सेटअप ला के रखा है, न्यू कार। ओ भाई इसमें और ही कुछ है जान, इसमें वॉचेस हैं, ये आपके फॉलोअर्स के लिए गिफ्ट है भाई। कितने सारे गिफ्ट है आप सब लोगों के लिए यार, मुझे तो लगता है पूरा बॉक्स भरा हुआ है, कितना लाख डेढ़ लाख का तो इसमें सामान है, ज्यादा है, ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा सामान है भाई। मुझे लगा था इसमें म्यूजिक सिस्टम है, वो कहाँ पे रखा हुआ पीछे? ये गाड़ी है हमारे फॉलोअर्स के लिए, समझ लो सारे गिफ्ट इसी में रखे हुए हैं। सही बोलो, सही में नहीं यार, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है आप सब लोगों के लिए। कितनी सारी वॉचेस है भाई, ये तो पूरा भरा हुआ है पीछे बॉक्स, ये देखो भाई पूरा फुल है भाई। ये तो सिर्फ एक बॉक्स, ये किस किस को मिलेगी पहले ये बताओ, ये बताओ ये वॉचेस किस किस को मिलेगी, गिव अवे किस को होगा? ये फॉलोअर्स के लिए जो हमें फॉलो करते हैं और प्यारा से कमेंट करते हैं ना सबको। तो भाई अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगी? बिल्कुल यार, बट मैं तो पहले ही फॉलो करता हूँ आपको, तुझे नहीं देंगे हम, मुझे नहीं, मैं ये पार्सल, ये पार्सल, ये क्या हो गया मतलब, घर पे थोड़ी देनी होती है, घर पे नहीं देनी होती। बाकी हमारा तो हम फिर गाड़ी पे, तो शोएब जो बाइक पे डेली मोटो व्लॉग करता है ना, मानना पड़ेगा, हिम्मत है यार। हाँ चैनल नहीं सब्सक्राइब करते यार, गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक नया चैनल बनाने के लिए बोला है ना अभी मैंने, बोला ऑडियंस को जाके सब्सक्राइब कर देना भाई। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा और पिन कमेंट भी करूंगा, उसमें अलग अलग तरह के ब्लॉग्स आएंगे जो हम दिन में करते हैं, सारी चीजें बाइक लाइफ स्टाइल में डालेंगे ब्लॉग्स, है ना। मूवी पे आए थे बाहर घूमने के लिए, हम रात के टाइम बाहर निकलते हैं लेकिन एक सीन हो गया, मेरी बाइक में तो पेट्रोल आ गया लेकिन इनकी बाइक ना रास्ते में बंद हो गई थी, स्कूटी है वैसे, स्कूटी में पेट्रोल ही खत्म भाई, स्कूटी भी तेल बहुत पीती है देख लो भाई, अभी इसको लाद लगाएंगे, अभी अभी दिखाऊंगा दिखाऊंगा, देख लो देख लो, चलो चलो आगे करो। तो गाइज एंटॉर्क में आप तेल भरते हैं, तो अपनी वुल्फ यहाँ पे लगी है, कमेंट करके बताओ भाई कैसी लग रही है, ये तो वैसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल मेरे को ना डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, तो मैंने नाम वगैरह लिखा दिया क्योंकि ये मेरे लिए सीरियस इशू हो रहा है, जो भी मेरे को ना दाने वगैरह इन्फेक्शन हो रही है पूरे जिस्म में। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राइट सेफ राइट हार्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।